अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं जॉब डेस्क। आज मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूं, वो है एक यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉरेल लाई। और उनको कौन कौन सी जॉब्स के लिए जो पोस्ट पब्लिश की आपके लिए, वो ये है कि ये एक यूनिवर्सिटी ज़ोब डिवीन बलूचिस्तान में है। ज़ोब एक सिटी है, एक सॉरी ज़ोब एक शहर है बलूचिस्तान का, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉरेल लाई है। उनको बहुत सारा स्टाफ चाहिए। एक फर्स्ट स्टाफ है सीनियर लाइब्रेरियन चाहिए, BPS 18 के साथ, MPhil इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन के साथ हो, 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी में, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडिटर है BPS 18, MCOM, MBA फाइनेंस या रिकग्नाइज डिग्री फ्राम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेकेंड विन के साथ, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज यूजल मैंशन है, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट अप्लीकेशन, फाइनेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इंक्लूडिंग MS ऑफिस रिलेटेड विंडो अप्लीकेशन फ्राम, यानी कि थोड़ा बहुत इसको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर से, MS ऑफिस से, और डिप्लोमा इसका होना चाहिए फाइनेंस मैनेजमेंट अप्लीकेशंस का, और ये फाइनेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। जैसे एक फाइनेंस का एक सॉफ्टवेयर Peachtree, वो भी अकाउंटिंग में यूज़ होता है, तो थोड़ा बहुत उनको बताना चाहिए। ये अकाउंटेंट का सॉफ्टवेयर Peachtree, आई थिंक सो। डिप्टी डायरेक्टर सपोर्ट चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए एजुकेशन में, एन एक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड से हो, यूनिवर्सिटी एटलीस्ट सेकेंड भी होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस सेम फील्ड में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एटलीस्ट विंडो ऑपरेशन सिस्टम का। डिप्टी रजिस्ट्रार चाहिए BPS 18 में, मास्टर डिग्री और एक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, BPS 17 मेंशन है, और कोई भी कॉलेज से हो, रेपूटेड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूडिंग ऑफिस और ऑटोमेशन पैकेजेस एटलीस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम वगैरह को रन करना आता हो। डिप्टी ट्राई है, ट्राई होता है खजानची, BPS 18 में चाहिए, MCOM, MBA फाइनेंस एक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एटलीस्ट सेकेंड विंग के साथ होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, सेम वही चीज़ मेंशन है, डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस मैनेजमेंट का, फाइनेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इंक्लूडिंग MS ऑफिस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो अप्लीकेशन। डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BPS 18, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट सेकेंड ईयर के साथ, 5 ईयर एक्सपीरियंस BPS 17 या एक्विवेलेंट किसी भी कॉलेज के अंदर, एडवांस सर्टिफिकेट वही कंप्यूटर होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, ऑटोमेशन पैकेज एटलीस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद है, यानी सिस्टम यूज़ करना आता हो, कंप्यूटर यूज़ करना आता हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार BPS 17, मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकेंड ईयर के साथ, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेम डिप्लोमा या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ये छोटा मोटा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता हो। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए 17 स्किल में, मास्टर डिग्री सेकेंड ईयर के साथ, 2 ईयर एक्सपीरियंस सेम डिप्लोमा चाहिए MS ऑफिस के साथ। असिस्टेंट ट्रायर चाहिए इनको BPS 17 में, MCOM, MBA के साथ, फाइनेंस होना चाहिए सेकेंड डिवीजन, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अकाउंटेंट कैशियर फाइनेंस मैनेजर और सुपरिटेंडेंट अकाउंटिंग के साथ, एडवांस सर्टिफिकेट होना जरूरी है ऑफिस ऑटोमेशन का, और एटलीस्ट विंडो पैकेज यानी सॉरी विंडो ऑपरेटिंग सर्विसेज का आपको एक्सपीरियंस हो, यानी कंप्यूटर वगैरह सिस्टम चला लेते हों। लाइब्रेरियन चाहिए, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी में होनी चाहिए सेकेंड जो है ना सेमेस्टर के साथ, सेकेंड सेमेस्टर मेंशन नहीं है जी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, एडवांस सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर सेम वही मैनेजमेंट का ऑफिस ऑटोमेशन का और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, ऑफिस मैनेजर चाहिए। ऑफिस मैनेजर में क्या होगा, BA BSc होगी सेकेंड वे के साथ, और प्लेस विल बी गिविंग टू हायर डिग्री होल्डर, यानी जिसकी हायर डिग्री होगी उसको हम ऑफिस मैनेजर भी के लिए हम प्रेफर करेंगे, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ, एडवांस सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज एंड लेटेस्ट विंडो ऑपरेशन सिस्टम होना चाहिए। असिस्टेंट चाहिए 15 स्केल में, BA BSc के साथ, सेकेंड डिग्री के साथ, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा होना चाहिए सेम ऑफिस ऑटोमेशन और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीनियर क्लर्क चाहिए मैट्रिक सेकेंड विंग के साथ,
प्रेफरेबली गेन कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कॉलेज, यानी जिसको प्रेफर किया जाएगा जिसका ऑफिस मैनेजमेंट कॉलेज में कभी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा सीनियर क्लर्क के हवाले से। ड्राइवर चाहिए मेडल और किसी भी जो है ना इदारे से सर्टिफिकेट हो, HTV और LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लम्बर चाहिए BPA 7 में, मेडल क्वालिफिकेशन हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मैट्रिक और एक्विलेंट चाहिए, और रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट आर्मी डिपार्टमेंट से फ्रंटियर कॉन्स्टेबल पर्सन हैविंग क्लियर सर्विस अराउंड। जो रिटायर्ड होगा, जो भी पुलिस या आर्मी से किसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुआ हुआ डिफेंस के डिपार्टमेंट से, उसका करियर का रिकॉर्ड ठीक हो, यानी कि टर्मिनेशन या कोई ऐसी वजह ना बनी हो। नायब कासी चाहिए मेडल के साथ, माली चाहिए मेडल और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्वीपर चाहिए BPS 2 में मेडल के साथ। अप्लाई कैसे करना है, ये एक लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इस ऐड का, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट ओपन की हुई है। कैंडिडेट पोस्ट अप्लाई ऑन द 100 रुपीज़ टू BPS 1 to 7, 100 रुपीज़ 1 to 7 का बैंक ड्राफ्ट बनेगा या पे ऑर्डर। बैंक ड्राफ्ट बनता है बैंक से, पे ऑर्डर बनता है वहीं से बनता है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के नाम पे। 1000 रुपये का जो ड्राफ्ट होगा वो 9 to 11 का होगा, 15 का BPS 12 to 16 से होगा, और यूनिवर्सिटी के नाम पर बनाना है आपने, यूनिवर्सिटी का नाम मैंशन है, और उसकी कॉपी लाजमी अटैच कीजिए जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। कैंडिडेट जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के होंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे NOC के साथ, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं। टेस्ट और यूनिवर्सिटी के लिए आपको TET नहीं दिया जाएगा। जिस कैंडिडेट ने GATS का टेस्ट ऑलरेडी पास किया है SAT के बाद और उसकी 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो NTS का सर्टिफिकेट भी अटैच लगा सकता है। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, बजाय 15-16-19 वाले ऐड में, 15-16-19 वाले ऐड में ड्राइवर प्लम्बर और माली हैं, उसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी को फुल अख्तियार हैं, आप किसी पोस्ट को बढ़ाना कम करना या इसको कैंसिल कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को अख्तियार उनके हाथ में है। 18 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा के अफराद एलिजिबल नहीं होंगे। एप्लीकेंट शुड बी, जो अप्लीकेशन सेंड करेंगे वो 30 मई 2022 से बाद में ना हो, वरना कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के बाद आई है तो आपको रिसीव नहीं की जाएगी सेम पॉइंट, और इनकम्प्लीट अगर हुई तो चाहिए हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और लास्ट डेट 30 मई 2022 है, ये एड्रेस है यूनिवर्सिटी का और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आपने कॉल करनी है हेल्पलाइन के लिए, यहाँ कॉल नहीं करनी, और वर्किंग आवर में कॉल करनी है, उसके बाद कॉल आपकी अटेंड नहीं की जाएगी। कोई मसला हो तो आप चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।